はい。अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है सुबह सुबह के टाइम कि क्या बताऊं। ये आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है। ज़रा गेट से बाहर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मौसम बना हुआ है बाहर तो। ओए होए 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 होए, तो अभी गेट बंद करके घर के अंदर आ चुका हूँ और अभी मुझे जाना होगा छत पर। चलो जाते हैं अभी छत पर, देखते हैं कि छत से कैसा माहौल नज़र आता है, नीचे खेतों का व्यू कैसा नज़र आता है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैंने सोचा है, प्लान किया हुआ है कि बच्चों के छुट्टी होते ही आज पकौड़ों का वीआईपी सीन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले भी जाते छत पर। तो अभी मैं छत पर आ गया हूँ और यहाँ से देख सकते हो माहौल क्या ज़बरदस्त मौसम है। बारिश के मौसम में बंदे का दिल वैसे ही गार्डन गार्डन हो जाता है। और नीचे खेत कितने खूबसूरत नज़र आ रहे। बारिश की वजह से बाहर कोई भी नहीं, पूरा एरिया सुनसान है। तो भाई आज सुबह से बारिश चल रही है और अभी तक हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंजर है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, ये आप लोग देख लो। और मौसम काफ़ी खूबसूरत और ठंडा पड़ चुका है और मैं इंतज़ार कर रहा हूं बच्चों का। बच्चों के स्कूल से आते ही हम लोग वीआईपी सेटअप करेंगे, पकोड़े और चाय। बारिश में ना हो तो बारिश का फ़ायदा ही क्या। जैसा कि मैंने कहा था कि पकोड़ों का वीआईपी सेटअप होने वाला है और हम लोगों ने वैसा ही किया है और सेटिंग कर ली है। अभी पकौड़े शकोड़े बनाएँगे, बच्चे सच्चे लगे हुए, मैं बनाऊंगा। हालांकि इन लोगों की साथ हेल्प चाहिए होगी और इनको भी साथ लेके आए हो। तो पकोड़े बना रहे हैं अभी, पकोड़े बना रहे हैं। पकोड़े, हेलो, आपको पकोड़े अच्छे लगते हैं? पकोड़े तो अभी जल्दी से मैं अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, पकोड़े शकोड़े बनाते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। माशाल्लाह पकौड़ों का कलर आप लोग देख सकते हो, क्या ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बने हुए हैं। आज बारिश वाला मौसम है तो बारिश में पकौड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सारे बच्चों की फरमाइश है पकौड़े की, कितने मज़े के बने हुए, क्या मज़े का कलर है, ये तो आप लोग देख ही सकते हो। बारिश में पकौड़े हो तो इसका अपना ही मज़ा है। तो भाई हम लोग बना रहे हैं पकोड़े और ऊपर से बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश अभी शुरू हुई है। अब ये दुआ करो कि बारिश तेज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई है तो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, कहीं पर इनको लेकर जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर और रोला हो जाएगा। तो
अभी बारिश आने से पहले ही इनको कंफर्म करना होगा, इनको मुकाना होगा। तो इनका काम जल्दी जल्दी से मुकाते हैं बारिश आने से पहले ही। तो मिलते हैं आप लोगों को। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, और हमारा पकोड़े बनाने का जो प्रोसेस है वो ज़बरदस्त शुरू है। और पकौड़ों का आप कलर देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है पकौड़ों को, कितना मज़े का कलर है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं पकौड़े। ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है और इधर पकौड़े बन रहे हैं, और माशाल्लाह कलर तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़बरदस्त कलर बना हुआ है। मगरिब का टाइम हो रहा है और हमारे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं, साथ में पकोड़े और चाय आ चुके हैं, और हम लोग छत पर आए हुए और चारों तरफ बादल, बारिश का फिर से खतरा है। सुबह से वैसे ही बहुत सारी बारिश हो रही है, बारिश सुबह से शुरू हुई और अभी भी दोबारा से बारिश का ख़तरा है। तो जल्दी से हमारे पकोड़े और चाय आ चुकी है। ये है जी उस्ताद अपने पकोड़े और चाय, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। मगरिब का टाइम है और ऊपर से बादल, बारिश वाला मौसम है, साथ में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई पकोड़े और चाय का बहुत ज़्यादा मज़ा है। आज मौसम बारिश वाला था, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ में पकोड़े और चाय होने चाहिए बारिश के मौसम में, तो बहुत मज़े के पकोड़े बने हुए थे। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हो कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।